हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस के कुछ नए स्ट्रेन्स आए हैं। साउथ इंडिया में, आंध्रा में, कर्नाटका में, हर जगह ये नए स्ट्रेन्स फैल रहे हैं। अब ये नए स्ट्रेन्स बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। ये नए स्ट्रेन्स का अर्ली इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब किसी को अगर इन्फेक्ट होते हैं तो तुरंत सिम्टम इंसान शो करना शुरू कर देता है। तुरंत फीवर आता है, तुरंत लंग में इन्फेक्शन होता है, तुरंत निमोनिया होता है, तुरंत पेशेंट सीवियर होता है, तुरंत SpO2 फॉल करता है और तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है और एक्सपायर हो जाता है। ये सारा इवेंट दोस्तों इन जो नए स्ट्रेन्स हैं इनसे 3 से 5 दिन में हो जाता है। अब आपको सावधान रहना है। 3 से 5 दिन मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ठीक होने का, या टाइम ही नहीं मिलेगा जाँच कराने का, टाइम ही नहीं मिलेगा इलाज करवाने का। ये इन्फेक्शन इतना तेज़ी से कर रहा है कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप जांच कराएं, इलाज कराएं। ये इतना तेज़ी से फैल रहा है, इतना जल्दी फीवर करा दे रहा है, इतना जल्दी लंग में इन्फेक्शन करा दे रहा है, इतना जल्दी SpO2 फॉल कर रहा है, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि पेशेंट को टाइम ही नहीं मिल रहा है। शुरू में पेशेंट को लग रहा है फर्स्ट सेकेंड डे कि वो तो नॉर्मल है, हल्का फुल्का फीवर है, थर्ड डे पे एकदम से सैचुरेशन ड्रॉप कर जा रहा है। ये नए स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, आपको सावधान रहना है, प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, खुद को बचा के रखिए इस वायरस से। क्योंकि दोस्तों ये वायरस 10 से 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है पहले वायरस से। ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहा है, इसमें अर्ली ऑक्सीजन, अर्ली स्टेरॉयड, अर्ली ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए सही समय पे पहचान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिले कर देंगे लक्षण को पहचानने में, डिले कर देंगे ट्रीटमेंट में, तो बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए आप तुरंत इलाज करवाइए, जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं तुरंत जाँच कराइए और इलाज कराइए। इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।